और इसीलिए ये मांग रहे थे राइट्स कि हमें अगर जरूरत पड़े तो वी हैव टू टेक हिम आउट, पर हमारी इंटेलिजेंस यही है कि वो अफगानिस्तान में है। तो अब ये मेरा ये ख्याल है कि इनको ये जो राइट्स मांग रहे थे इन्होंने पाकिस्तानी के साथ शेयर की इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस शेयर की, नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को एक्सप्लेन किया कि ये टेररिस्ट हमें मिल गया है, हम उधर ही जाना चाह रहे हैं और ये आपके इंटरेस्ट में भी है, हमारे इंटरेस्ट में भी है। एंड सो आई थिंक इसमें थोड़ी बहुत कोऑपरेशन हुई होगी वन टाइम, और जिसकी वजह से अमेरिका को उनके ड्रोन्स ने जाके जो है जवाहिरी को टारगेट किया। मेरा ख्याल है इसके एक किस्म का उन्होंने शुक्रिया अदा भी किया पाकिस्तान का कि थैंक यू वेरी मच, जो किया दुरुस्त किया, हमने किसी को डिस्टेबलाइज नहीं किया, हमने आपको नहीं डिस्टेबलाइज किया, आपके साथ शेयर करके एक कॉमन परस्यूट अगेंस्ट टेररिज्म, ठीक है एफएटीएफ भी तो यही है ना, तो हाँ आपने अभी मिलके हमने ये किया है तो अब ठीक है, वी विल हेल्प यू, आपका वो जो सारे इश्यूज चल रहे हैं एफएटीएफ आईएमएफ। तो मेरा ख्याल है ये कॉन्टेक्स्ट था जिसके अंदर फिर शायद जनरल बाजवा ने सोचा होगा चलो जी फिर एक टेलीफोन पे खड़काइए और जी सादा जरा मसला होते हल करो, हाँ तभी तो सेंटकॉम फिर चीफ से भी बात हुई थी उसी तारीख में हाँ, तो मेरा जी ख्याल है कि वो फिर यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक बट एवरीबडी इज हैप्पी।